नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद बसपा में आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज होती जा रही है। बीते दो दिन के दौरान सोशल मीडिया पर आकाश की वापसी की मांग वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड करता रहा। साथ ही बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी की भी मांग की जा रही है। बता दें, जयप्रकाश को 6 साल पहले बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बसपा को दोबारा स्थापित करने के लिए आकाश और जयप्रकाश की वापसी जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े डूंगरपुर के एक और मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खान समेत 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने एनडीए सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 69,69,116 वोट से हराने वाली इकरा ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं लोगों को जरूरी मुद्दों पर साथ ला सकी। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आगे भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया। गन्ना किसानों और अन्य किसानों की आवाज भी हमने उठाई। उत्तर प्रदेश की चौथी खबर है सुल्तानपुर से, जहां सुल्तानपुर में सिर कटी लाश मिलने की एक सनसनीखेज खबर सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टुकड़ों में बटे शव को कब्जे में लिया। बता दें कि शव का सिर शरीर से गायब था, जो काफी खोजबीन के बाद लगभग 2 किलोमीटर दूर तालाब के पास गड्ढे में पाया गया। सोमेन वर्मा ने कहा कि हत्या की आशंका है, फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। जल्द शक की शिनाख्त करके घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। आगे की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि अतीक गैंग के बाद उसके भाई अशरफ के साले सद्दाम की भी 5 चल और अचल संपत्ति चिन्हित हुई है। जेल में बंद सद्दाम ने पूरा मुफ्ती के हटवा सल्लापुर समेत कई गांव में जमीन बनाई है। पुलिस अब चिन्हित हुई 1 कार और 4 प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इस संबंध में बरेली पुलिस को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। फरवरी 2023 में उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की हुई हत्या के मामले में अशरफ का साला सद्दाम भी आरोपित है। बरेली जेल में वह अपने जीजा अशरफ की मदद करता था और शूटरों के भी संपर्क में था। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।